अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी ईद की शॉपिंग, मैंने क्या क्या लिया। वैसे भी कंप्लीट नहीं हुई, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लड़कियों की तो शॉपिंग लास्ट मोमेंट तक भी ख़त्म नहीं होती, इसी तरह मेरी भी अभी रहती है। फिर भी मैंने कहा चलो मैं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर के साथ अपनी वीडियो शेयर करूँ। तो बात करते हैं, ये मेरा फर्स्ट डे का ड्रेस है जो कि मैंने लिया था, एक कुर्ता, और ये इस तरह के तरह से है, इस कलर में है, पिंक पीच कलर में है, ये वाला लाइट पिंक टी पिंक पीच कलर में है, इस टाइप से है। मैं आप लोगों को इसकी डिटेलिंग शेयर करती हूँ। जैसा कि गर्मी बहुत है तो उस पर लाइट कलर भी ज़्यादा प्यार लगते हैं। इसकी नेकलाइन कुछ इस तरह की बनी हुई है। अगर आप लोग भी सिंपल ड्रेस लेके इस तरह से डिज़ाइनिंग करवाओ तो करवा सकते हो। इस तरह से इसकी नेकलाइन बनी और साइड पे शटर लेस लगी हुई है और फुल एम्ब्रॉयडरी है, ये बहुत लाइट सी एम्ब्रॉयडरी है इसके ऊपर, ज़्यादा हैवी नहीं है। और इसके जो बाजू हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। ये मेरे हॉबी ने मेरी बर्थडे पर गिफ्ट दिया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ। और ईद नज़दीक थी मेरी, 4 जुलाई को थी बर्थडे, जो कि मैंने सेलिब्रेट नहीं की थी, तो उसकी वजह क्या थी वो भी मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। चलो पहले तो ये मेरा फर्स्ट ड्रेस है, तो ये हॉबी ने मुझे किया था गिफ्ट, तो मैंने सोचा ईद पे पहन लूँगी। तो इसके ये इधर 3 ये प्लेटें डली हुई हैं और ये इस तरह से इसके बाजू बने हुए डिटेल में, और आगे ये शटर लेस लगी हुई। ये बहुत ही प्यारा ये कुर्ता है, बहुत ज़्यादा प्यारा बना हुआ है। मैं लाइट कलर बहुत ज़्यादा कम पहनती हूँ, पर मेरे हॉबी को ये लाइट कलर ज़्यादा प्यारे लगते हैं। इस तरह से इसके सीढ़ी लेस लगी हुई है और ये शटर लेस है, लॉन्ग है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉन्ग का आजकल ट्रेंड है, और मैंने इसके साथ ये चूड़ीदार पजामा लिया था इसके साथ बिल्कुल, और ये वाला दुपट्टा इसके साथ मैच किया था मैंने इस तरीके से। अब मैं आप लोगों को इसकी ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ। ये वाला दुपट्टा है इस तरह से, ऑर्गेंजा में बना हुआ है, पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ऑर्गेंजा है ये। ये दुपट्टा मैंने मम्मा के सूट के साथ का मैच किया है, तो ये मैच हो रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है इसके साथ यही चल जाएगा, और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मैं इसके साथ दूसरी चीज़ें दिखा देती हूँ। तो मैंने इसके साथ ये वाला बैग लिया था पीच कलर का। अब इस बैग की स्टोरी कुछ इस तरह है कि ये बैग मेरी सिस्टर ने मुझे बर्थडे पर दिया था गिफ्ट, तो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, बिल्कुल ये नया बैग है। तो इसके साथ ये मैच हो रहा था, तो मैंने ये पहले ये बैग मुझे गिफ्ट मिला था, बाद में मुझे ड्रेस मिला था, मैंने कहा ये तो फुल मैचिंग हो गई और बहुत ज़्यादा प्यारा भी लग रहा था इसके साथ। अब बात करते हैं मैं इसके साथ कौन सी हील पहनूंगी। ये वाली मैं इसके साथ हील पहनूंगी, पीच कलर की है, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी बनी हुई है। इस तरह से इसकी हील है, और फर्स्ट डे का मेरा ये वाला ड्रेस है, और इसके साथ मैं ये वाले एयरिंग्स पेयर अप करूंगी वाइट कलर के, बाकी बैंगल्स वगैरह चांद रात को लूँगी। और आई होप आप लोगों को ये प्यारा लग रहा होगा मेरा ड्रेस। अब हम बात करते हैं सेकेंड डे की, कि मैं सेकेंड डे क्या पहनूंगी। इसके साथ ब्रेसलेट थी जो कि ये सिस्टर ने मुझे गिफ्ट दी थी, ये इस ड्रेस की ओवरऑल लुक है जो मैं फर्स्ट डे। अब बात करते हैं दूसरे ड्रेस, सेकेंड डे में ये वाला कुर्ता पहनूंगी। इसके साथ भी अभी कुछ चीज़ें आई, बल्कि कुछ भी नहीं आया, ये बिल्कुल सारा चिकन पे बना हुआ और बहुत प्यारा है इस तरह से। और ये कुर्ता मुझे पहली नज़र में ही बहुत ज़्यादा प्यारा लग गया था। मैं आप लोगों के साथ इसकी डिटेलिंग शेयर करती हूँ। इसकी डिटेलिंग कुछ इस तरह से है, ऐसे, और इसके बाजू इधर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई पड़ी है, बाजुओं पर इधर लेस लगी हुई है, और इधर भी एम्ब्रॉयडरी है, और आगे ये लगाई हुई है, और इधर से ये बिल्कुल ऐसे है, इधर भी इसके एम्ब्रॉयडरी है ये वाली, और नीचे लेस लगी हुई है। मैं ये वाला ड्रेस पहनूंगी, और पीछे बेबी शोर कर रहा है तो उसके लिए उसे इग्नोर करना। तो इसके साथ मैं ये वाले कुर्ते पहनूंगी, ये वाले, तो ये ग्रीन कलर के लिए थे मैंने, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लगे थे मुझे, और ये वाले पहनूंगी। और इसके साथ बाकी चीज़ें मैं चांद रात वाले दिन मतलब के जाऊंगी और दूसरी सारी चीज़ें लेके आऊंगी। आई होप आप लोगों को कोई तो ड्रेस पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर बताना। अब बात कर लेते हैं ईद के तीसरे दिन, थर्ड डे का ड्रेस है ब्लैक कलर का, और ब्लैक कलर
मुझे इतना ब्लैक कलर पसंद नहीं, फिर भी मेरे पास बाई चांस ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसकी डिटेलिंग की। इसकी नेक लाइन पे कुछ इस तरह से डिटेलिंग हुई है, ये वाले मोती लगाए हुए इस तरीके से ऐसे। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ऐसे आप लोग ले सकते हो। ये एथनिक का ड्रेस है आई थिंक ये वाला। अब बात कर लेते हैं इसकी स्लीव्स की। पहले मैं आप लोगों के साथ इसकी स्लीव शेयर कर देती हूँ। इस तरह से इसकी स्लीव बने हुए, आगे थोड़ी सी चुन्नते वगैरह डली हुई हैं और इधर से इस तरीके से है। तो इसके दामन की, इसके दामन पे जो मैंने डिटेलिंग करवाई थी, इसके जो कमीज की साइड पे होता है ना कपड़ा, उससे मैंने इसके ऊपर सारी डिटेलिंग करवाई है और इसके साथ मैच करके उधर नेक लाइन पे पर्पल डिजाइनिंग करवाई है। अब मैं दिखाती हूँ इसकी ये वाली डिजाइनिंग। टेलर ने ना ब्लैक कपड़ा ग्रेड कर दिया, अगर कोई और कपड़ा होता तो ये ज़्यादा प्यारा लगना था। बहरहाल ये इस तरीके से कुछ बनी हुई है डिज़ाइनिंग, जिसमें स्क्रीनशॉट लेना इस तरीके से ले सकता है। ये ऐसे करके ये, और इधर ये एक एक ये भी पता नहीं क्या बोलते हैं डिज़ाइन को। एंड इधर छोटी सी उन्होंने शटर लेस लगाई हुई है, बल्कि डबल करके लगाई हुई है इस तरीके से। और ये इस तरीके से कट लगाए हुए समोसा जिनको बोलते हैं, और इसके साइड पे इस तरह की डिजाइनिंग है। इसके बाजू पे इधर एक लेस लगाई हुई है, बाकी आगे से ये ऐसे है। अब इसकी बात कर लेते हैं इसकी कैप्री की, इसकी ओवरऑल लुक। ये बेबी ने जूता फेंका हुआ इधर। और अब बात कर लेते हैं इसकी कैप्री की। इसकी कैप्री ब्लैक कलर की है और इसके ऊपर कुछ इस तरीके की डिटेलिंग करवाई हुई है ऐसे। टेलर को बोला था ये कपड़े के साथ लगानी है, पर उन्होंने ये डोरी के साथ लगा दी थी, पर फिर भी इतनी प्यारी लग रही है, बुरी नहीं लग रही। किसी ने ट्राउज़र की इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इस तरीके से ले सकते हो और अपने लिए बनवा सकते हो। तो मैं इसके साथ ये वाले एयरिंग भी हैं, और ये वाले एयरिंग भी, जो भी मुझसे सही सेलेक्ट हुए तो मैं वो वाले पहन लूँगी, और ये वाले भी हैं। और अभी मैं बाजार जाऊँगी तो उधर से कोई और पसंद आए तो ले आऊँगी। और इसका लोन का ही इसके साथ का दुपट्टा है ये वाला, ये वाला लोन का इसके साथ का दुपट्टा है। और इसके ऊपर इस तरह से ये पीको करवाई हुई है मल्टी कलर में, बिल्कुल इसके साथ मैच करके, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और इसके साथ अगर मुझे कहीं जाना हुआ तो मैं इसके साथ ये वाला ब्लैक बैग कैरी करूँगी, और ये वाली ब्लैक हील। जो हील है मेरी तकरीबन 3 साल पुरानी हील है ये वाली ब्लैक कलर की, और ये इतनी चली है जब मुझे कुछ समझ ना आ रहा तो ये वाली हील पहन लेती हूँ। मैंने इतनी पहनी है ये वाली हील, बहुत ज़्यादा ये वाली हील पहनी है। तो इसके साथ मैं ये वाली ब्लैक हील पहनूँगी और ये वाला ब्लैक बैग लूँगी अगर मुझे कहीं जाना हुआ तो। इस तरह से मैंने अपना ईद का तीसरा ड्रेस भी तैयार कर लिया है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।